बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम ईद स्पेशल बनाएंगे बीफ नमकीन गोश्त। ये इतना मज़े का और इतना लाइट वेट बनता है ना, चाहे आप इसे जितना मर्जी खाएं, आपका इससे दिल जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं भरेगा। बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ लिया हमने यहाँ पर 1 किलो, आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। नमक इसमें जाएगा 1/2 चाय का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, अदरक पेस्ट 1 चाय का चम्मच, सब्ज मिर्चें इसमें हम डालेंगे 3 से 4, नमक और मिर्चें अपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी। अब इसके अंदर हम डालेंगे जीरा 1 चाय का चम्मच, जीरे को हमने हाथ पे अच्छी तरह से मसल कर डालना, और 1 चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे खुश्क धनिया, धनिए को भी हमने अच्छी तरह से मसल कर डाल, और पानी इसमें जाएगा 1.5 गिलास पानी, आपने अपने हिसाब से डालना, क्योंकि बाज़ दफ़ा गोश्त जो जल्दी नहीं गलता तो पानी ज़्यादा डालना पड़ता है। मिक्स करेंगे, ऊपर से कवर करेंगे और दरमियानी आंच पे इसको हमने 20 मिनट के लिए पकाना, ताकि बीफ अच्छी तरह से गल जाए। और दरमियान में हमने 1-2 दफ़ा इसे चेक भी करना है। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, अब ये थोड़ा सा कच्चा भी और इसमें पानी भी है, फिर से ऊपर से कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हैं, बीफ हमारा अच्छी तरह से गल चुका और पानी भी इसका बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही 1 छोटी प्याली, अब इसके अंदर हम डालेंगे अजवाइन 1 चुटकी, इससे फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त आएगा। मिक्स करेंगे, और सबसे आखिर में इसके अंदर हम डालेंगे 2 लेमन का रस। लेमन का रस डालने के बाद इसकी हमने बिल्कुल दरमियानी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई करनी है। ऑयल इसमें हमने बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि इसका अपना ही थोड़ा बहुत ऑयल होता है, और जो ईद का गोश्त होता है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा ऑयल होता है, उसी ऑयल में गोश्त पकता भी और उसकी बुनाई भी होती है। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन गोश्त बनकर तैयार हो चुका है, अब इसे हम डिश आउट करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा बीफ नमकीन गोश्त बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त बना है। आगे ईद आने वाली है तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।